तो फ्रेंड्स सांभर बनाने के लिए हमने लिया है अरहड़ दाल, इसको सब जगह अलग अलग बोलते हैं। फ्रेंड जब तक हमारा दाल रेडी होता है उधर और सब हो चुका है रेडी, पूरा अच्छे से सब्जी भी गला है, पूरा अच्छे से बन गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मस्त सांभर वड़ा एकदम मस्त दिख रहा है और ये साइड में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को जोहार। फ्रेंड्स आज का हमारा रेसिपी है बिल्कुल अलग है, ये साउथ इंडियन डिश है। आज हम बनाने जाएंगे वड़ा सांभर। तो वड़ा सांभर बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सांभर कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स सांभर बनाने के लिए हमने लिया है अरहड़ दाल, इसको सब जगह अलग अलग बोलते हैं, कहीं अरहड़ दाल कहीं तूर दाल, तो ये वाला दाल लिया हमने। और हमने एक बड़ा टमाटर लिया है, दो हरी मिर्च, और वेजिटेबल में आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। मैंने ये एक बैंगन और एक गाजर ये अच्छे से काट के धो लिया है। तो इसमें सांभर में जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, मूली हो गया, तो इस तरह का चीज़ डालते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। बाकी आपको जो पसंद है कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। और ये हमने हल्का गर्म पानी में ये इमली मैंने भिगो के रखा है ताकि ये पानी बाद में यूज़ हो जाए खट्टे के लिए। फ्रेंड्स हमें ले लिया कुकर, कुकर में बॉईल हो रहा है गर्म पानी और इसमें हम डाल देंगे दाल। और हम डाल देंगे इसमें जो हमने वेजिटेबल धो के रखा था, बैंगन और गाजर, कुछ कोई सा भी सब्जी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो फ्रेंड्स इसमें आ जाएगा हाफ स्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी ये नमक बाद में भी डलेगा जब इसमें छोक लगाएंगे, तड़का लगाएंगे, तो इतना नमक अभी काफ़ी है। और लगा देंगे ढक्कन। फ्रेंड्स अब लगा देंगे ढक्कन, 2 से 3 सीटी आने देंगे इसमें, तब तक अच्छे से गल जाएगा दाल। फ्रेंड्स जब तक हमने दाल चढ़ा के रखा और वेजिटेबल, जब तक ये वो सीझता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने बैटर रेडी करके रखा है। ये उड़द दाल है, उड़द दाल हमने रात भर भिगो के रखा था और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका प्रोसेस कैसे बनाना है। और ना ये ना ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे ताकि वड़ा बनाने में दिक्कत ना हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। फ्रेंड्स इसमें 3 सीटी लग चुका है, अब देखते हैं कि हमारा दाल और सब्जी अच्छे से सीझा है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हो गए, देखिए बैंगन भी दाल भी और हमने इसमें डाला था गाजर, सब अच्छे से हो गया है। अब इसमें लगाएंगे तड़का। फ्रेंड्स ये हमने चढ़ा दिया कढ़ाई, कढ़ाई हो चुका है गरम, इसमें आ जाएगा अब सरसों का तेल। फ्रेंड्स तेल हो चुका है हमारा गरम, अब इसमें आ जाएगा ब्लैक वाला सरसों, इसको थोड़ा सा अच्छे से चटकने देते हैं। अब इसमें आ गया हरी मिर्च, और हमने टमाटर जो काट के रखा था तो इसमें आ जाएगा टमाटर। तो टमाटर को भी अच्छे से गलने देते हैं, तो टमाटर गलने के लिए इसमें डाल देंगे नमक। तो इसमें आ गया नमक, फ्रेंड्स ये देखिए टमाटर हमारा गल चुका है। अब इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर हल्का सा, थोड़ा सा चटपट होने के लिए, तीखा होने के लिए, जो जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये आ गया इसमें मिर्च पाउडर। अब इसमें आ जाएगा सांभर पाउडर, सांभर पाउडर आ गया, इसी से तो टेस्ट आएगा मस्त सांभर का। सांभर पाउडर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आ जाएगा इमली का पानी जो हमने भिगो के रखा था, इसको अच्छे से निकाल लेंगे इसका बीज, और इसमें इमली का पानी डाल देंगे ताकि उससे खट्टापन आए। फ्रेंड्स अब इसमें आ जाएगा इमली का पानी, हमने इमली पहले से ही भिगो के रखा था, तो इसी से जो आएगा ना सांभर का जो खट्टापन आएगा सांभर वाला, मस्त टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमने इमली का पानी भी डाल दिया, सब इसमें डल चुका है।
तो फ्रेंड्स अब इसमें आ जाएगा दाल, अब आएगा इसमें मस्त फ्लेवर टेस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स सांभर का क्या मस्त लग रहा है कलर, इसका टेस्ट तो बहुत यम्मी लगेगा। इसमें खट्टापन पूरा आ रहा है, जो इसमें खुशबू आ रहा है पूरा सांभर का, जो भी खट्टा इसमें डालते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा सांभर हो चुका है रेडी, पूरा अच्छे से सब्जी भी गला है, पूरा अच्छे से बन गया है, खट्टापन जो है वो भी बहुत अच्छा आया है, इसमें पूरा सुगंध आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा सांभर बन के हो चुका है रेडी। अब मैं आपको बताऊंगी कि वड़ा कैसे बनाना है। फ्रेंड्स अब बनाएंगे वड़ा, तो वड़ा बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो हमने ये कढ़ाई गरम कर लिया, इसमें डाला हमने रिफाइंड ऑयल, अब बनाना स्टार्ट करेंगे वड़ा। फ्रेंड्स हमने ये पानी लिया है कटोरी में, ताकि अच्छे से इसका जो शेप बनाएंगे अच्छे से बन जाए और चिपके ना। फिर हमने पानी लिया है, थोड़ा सा हाथ भिगा लेंगे पानी से, उसके बाद ये लेंगे वड़ा। अब इसका जो भी शेप बनाना है जैसे आपको पसंद है अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये हमने राउंड किया, अब ये आ जाएगा। तो ऐसे कर करके सभी बना लेंगे। फ्रेंड्स अब देखते हैं पलट के कैसा हुआ है। ये हमने पलट लिया, इसको अभी और लाल होने देंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त लग रहा है, तो अभी इसको और होने देते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए कितना सुंदर कलर आया इसमें। अब मैं ये निकाल के देती हूँ अपने हबी को, ये खा के बताएंगे टेस्ट करके कि कैसा बना है। फ्रेंड्स ये देखिए वड़ा सांभर हो चुका है रेडी, अब हबी बताएंगे टेस्ट करके कि कैसा है। वाव मस्त, ये मस्त सांभर वड़ा एकदम मस्त दिख रहा है। और ये साइड में है आम और धनिया पत्ती की चटनी, वैसे तो इसमें आप बादाम का चटनी मस्त खा सकते हैं, बट ये ऑलरेडी बना हुआ था तो मैं बोला बादाम का चटनी छोड़ो और ये खाते हैं आम और धनिया पत्ता का चटनी। तो फ्रेंड्स पहले करते हैं सांभर टेस्ट। देखिए वेजिटेबल भी गल गया है और इसमें लौकी वगैरह भी आप मूली वगैरह सहजन वगैरह डाल सकते हैं, बट इसमें कम वेजिटेबल है। और ये देखिए फिर भी मस्त दिख रहा है कलर, टेस्ट करते हैं। मस्त इमली का जो खट्टापन है ना, इतना सॉलिड लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, चटपटा सा एकदम सांभर, और सांभर पाउडर का जो जायका इसमें मिल जा रहा है, तो ओ हो। एक नंबर भाई साहब सांभर तो पास। ये रहा वड़ा, वड़ा गर्म है। एक्चुअली क्या है, मुझे आदत है वड़ा, आप एक मिनट रहता है। ये देखिए वड़ा इस तरीके से भी खा सकते हैं, मगर मेरा जो स्टाइल है खाने का वड़ा सांभर, आप ये लीजिए वड़ा और सीधे कर दीजिए इसमें डिप, और अच्छा से थोड़ा सा इसको गलने देते हैं, उसके बाद थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा, इस तरह से कट कीजिए और ये सांभर और वेजीज के साथ आराम से प्याज उठा के। वड़ा ही बहुत क्रिस्पी बना है, ये तो गया इसके अंदर सांभर के अंदर, तो ये सॉफ्ट हो गया, बट आप इधर देखिए, ये देखिए एकदम क्रिस्पी है वड़ा, एकदम दम नहीं लगाना पड़ रहा है इसको, ऐसे ही खा के देखते हैं। मस्त चू हो रहा है। तो ओवरऑल बोला जाए तो इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से ट्राई करके देखिए, घर में बहुत ही बेहतरीन बना है। थैंक यू सो मच। तो मैडम शेफ बनाई है और सही में बोल रहा हूँ, इतना बेहतरीन बना है ना, और ठंडा हो जाएगा तो फ्रेंड्स वड़ा सांभर खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो करते हैं इसको फटाफट सेंड। अगर आज का ये रेसिपी वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो फटाफट से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ। दोस्तों के साथ शेयर करना,
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जरूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा। तो करते हैं इसको यहीं पर, तब तक लिए बाय, मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ।